Vishnu, my God, we come on the far. इसमें 15 प्रिंट है, मिलता 20 है, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। फंडा इसका मतलब 5 रुपया, 1000 रुपया रख रेडी। चेन पुलिंग कर दिया है भाई। ट्रेनें तो हमारे देश के कोने कोने में चलती है, लेकिन बिहार से दिल्ली या फिर दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों के सफर में मजा बहुत आता है, और ये मजा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिलहाल जय हिंद, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई रेल सफर में, और स्वागत कर रहा हूँ आपका दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। और आज हम सफ़र करेंगे 1582 आनंद विहार और सहरसा के बीच चलने वाली पूर्विया एक्सप्रेस में, जो कि आनंद विहार से सहरसा जाती है हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार को। तो उम्मीद करता हूँ ये सफ़र भी आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके। अरे आराम से, आराम से। अरे बच्ची ने जरा बच्ची, अरे बाबू, अरे घुसो इसमें। अरे पागल कहीं कर, अरे कार चला रही है। हो गया। लाने को जरूरत नहीं है। फिलहाल ये गाड़ी थी आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस। और आप लोगों से भी थोड़ा सा अनुरोध है कि ट्रेन के समय से थोड़ा पहले आएँ, वरना फिर यही हाल होगा। बाकी आनंद विहार में देखिए दो हमारे रैंडम ट्रैक फैमिली के मेंबर मिले। आपका नाम क्या हुआ? शिवम कुमार। शिवम भाई, और आपका? सूरज कुमार। सूरज भाई, दोनों भाई कैसा लगता है हमारा वीडियो? बहुत अच्छा लग रहा था। बस भाई यही सुनने का कान तरस रहा है। हमारी पूर्विया एक्सप्रेस भी लगी हुई है आनंद विहार के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यही है पूर्विया एक्सप्रेस सहरसा आनंद विहार। शाम 5:10 में यहाँ चलेगी, और इस गाड़ी का सहरसा पहुँचने का टाइम है कल शाम 7 बजे के आसपास। लेकिन हम इस गाड़ी से जाएंगे बरौनी या बेगूसराय तक, यानी लगभग 24 घंटे का सफ़र तय करेंगे, और सफ़र आपको पता ही है सेकंड क्लास में ही करेंगे। बाकी यही है इस पूर्वैया एक्सप्रेस का सामान या डब्बा, साफ़ सफाई ज़्यादा खास नहीं है ना, साफ़ सफाई बेकार है। बाकी पानी आ ही रहा है, बस यहाँ से आईना गायब है। इस गाड़ी में 4 जनरल कोच हैं, और सभी के सभी पीछे की ओर हैं, आगे नहीं है, आगे केवल AC है आनंद विहार से सहरसा जाते वक्त। चलिए फिलहाल हमारी पूर्वैया एक्सप्रेस निकल चुकी है आनंद विहार से असली बिहार के लिए, सहरसा के लिए, ऑन टाइम शाम 5:10 में। पहले ये गाड़ी दिल्ली आदर्श नगर तो जाती थी। आनंद विहार टर्मिनल, इस ओर लगी हुई है गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से भागलपुर जाएगी, और उस ओर लगी हुई है सत्याग्रह एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से रक्सौल जाएगी। अभी ना शिखर खड़ा रहे तू, अभी ना खड़ा तू, अभी ना खड़ा रहे। राजनिवास है फिर भी खरीद रहा है। मांगे इनसे, मांगे इनसे, मेरे साथ है। नहीं नहीं, गाली गलौज मत कीजिए, लेडीज भी है, गाली गलौज मत कीजिए, आगे पीछे देख के बोलिए। आए किसी का भी माँ बहन है ना, तुम लोग कुछ बोल क्या नहीं रहा है। मजाक एक सीमा में किया जाता है, अगर पूरा जो होता है ना जैन तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऊपर में लेडीज भी है, आगे पीछे भी लेडीज बैठा हुआ है, किसी का तो माँ बहन है। तुम लोग हंस रहे हैं। आप पानी कितना बेचते हैं? 20। अच्छा इसमें 15 प्रिंट है, मिलता 20 है, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। फंडा इसका मतलब 5 रुपया कमाते हैं। 5 रुपया आप कमाते हैं? अच्छा पेंट्री कार्ड से लेने पर 15 रुपये में, इतना भीड़ में चलता है, 15 रुपया हम दें, ठंडा करके चिल्ड करके गर्म देंगे 15 रुपया। तो भैया ये हमारी पूर्वैया एक्सप्रेस की पहली स्टॉप गाजियाबाद जंक्शन, और गाड़ी हमारी आई है गाजियाबाद के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2। बाकी गाड़ी दे सकते हैं, जहाँ कुछ लड़कियाँ सिगरेट बीड़ी तंबाकू बेचकर कुछ पैसे कमा रही है, वहीं कुछ ताली ठोक के और गाली देकर, कम से कम गाली दे तो पैसेंजर को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, कोई चुटकुला सुना दे रही है जो ही हंस दिया। बाकी यहाँ गाड़ी 2 मिनट का स्टॉप है, और यहाँ देखिए हमारे रन ट्रैक फैमिली के एक मेंबर मिले हैं भाई, जा रहे हैं सहरसा तक। नाम क्या हुआ आपका? साहिल। साहिल भाई आपके क्या हुआ, बड़े हैंडसम मेरे महाराज। अकबर रेबेल अकबर। आप ब्लॉगर है भाई? हम अच्छा। अरे भाई तुम ओ ब्लॉगर, ब्लॉग बना रहा है? अरे भाई चल दोनों भाई साथ में सफर करते हैं, लेकिन हम जनरल कोच में। अच्छा, हम थोड़ा सा गरीब यूट्यूबर हैं ना। बाकी फिलहाल निकल चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन से, और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमारी ट्रेन जाएगी यहाँ से मुरादाबाद की, और एक लाइन जाती है यहाँ से मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर की ओर, और सीधी ये लाइन चली गई अलीगढ़ टुंडला कानपुर की ओर।
चल चलते हैं अपने कोच में, ठीक है? जंगल में बहुत भीड़ है। आप कहाँ पे? रन ऑन ट्रैक मरीना। मतलब अभी आप हैं कहाँ? जनरल कोच में है। यहाँ भी बैठ सकते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरा, हमको वहीं मजा आता है। बाकी हमसे आगे आगे जा रही है नई दिल्ली से पटना जाने वाली पटना राजधानी। तेजस की रैक लगी हुई है। नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी। सीन बनाएगा कौन क्या है झुट्टे का झड़ा कर रहे हैं हमारा। लेडीज कैसे बोले की छोड़िए ना, हटाइए ना बात को महाराज। तो कोई की अरे यहाँ सबको दिया था इज्जत, समझे ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। है कि ना भाई, बोलिए तो लेडीज है सबका माँ बहन है। उसको बोलेंगे साइड हो जाइए, इसको लगे है। अच्छा ठीक है, हटाइए ना बात खत्म कीजिए भैया। ए सी में लेके जाओ, इज्जत आ रहा है तो ए सी में लेके जाओ। अच्छा सुनिए ना, हटाइए बात खत्म कीजिए ना, ये छोटी मोटी बात को इतना गौर करता है। मूट मूट कहीं कहीं का गुस्सा कहीं और दिखा रहा है। साइड में है, जनरल डब्बा में इतना चलता है, रकम होता है क्या कीजिएगा, साइड में तो है ही है। सही बात है। ले 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 एप्पल एप्पल ला, हा 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 ले लिया रे। ए बांट चिटके खाना, बांट चिटके, इसको भी दे, इसको भी दे। ए भाई अरे इसको भी दे, जा उसे मांग, उसे मांग, अरे उससे मांग ना, बड़ा वाला सेब। इंसान को तो दान करना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जानवरों को भी है ना भैया, थोड़ा बहुत जानवरों को भी दान करना चाहिए, क्योंकि इसे भी भूख लगती है। आप लोग कुछ बोलिए महाराज। ये सभी भाई जाएंगे गोंडा, सुबह 5 बजे आएगा। अरे नहीं होगा वहाँ से, वहाँ से नहीं होगा, नीचे से होगा। का उसमें झूल गया था का? दिमाग वाग नहीं है? अरे पगला वो चेन पुलिंग है, बेकम कर दिया है। ऊपर नहीं होगा, नहीं होगा ऊपर, नीचे से बंद होगा, नीचे से वो आएगा करने जी। अरे चेन पुलिंग कर दिया है, उसको घींच दिया लाल वाला को। आता है अपन तो नहीं आता है। 1000 रुपया रख रेडी, 1000 रुपया अपना निकाल के रख। चलो यार कहेंगे बच्चा था सोया हुआ था, सोए हुए हम पकड़। चैन पुलिंग कर देते हो, भैया गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है अपनी दूसरी स्टॉप मुरादाबाद जंक्शन। जय हो भैया मुरादाबाद, स्वागत है आपका पीतल नगरी मुरादाबाद में। बाकी कमाल की है ये पूर्वैया एक्सप्रेस, और कमाल के इस गाड़ी में लोग भी हैं जो इस गाड़ी में सफर कर रहे हैं। बताइए, बच्चे ने मजाक मजाक में चेन पुलिंग कर दिया, उस बच्चे की गलती से गार्ड साहब को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छा इस गाड़ी में 60 रुपये में अच्छा खाना मिल रहा है, चावल दाल सब्जी अंडा वाला भी है, काफ़ी अच्छा है। ट्रेनों के हिसाब से ठीक ठाक ही है, पेट भर जाएगा 60 रुपये में। इस गाड़ी में पेंट्री कार भी है, और इसमें 8 मिनट का स्टॉप है, लेकिन गाड़ी बिफोर आई है। यहाँ ये गाड़ी रुकेगी 20 मिनट। बाकी खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, केला भी मिल रहा है मुरादाबाद में, सबसे अच्छा खाना यही रहेगा केला। बाकी केला मिल तो रहा है, लेकिन केला बहुत महंगा मिल रहा है, 50 रुपये दर्जन। बिहार के हाजीपुर के केले, हाँ वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, पहले गाड़ी को पहुंचने दे हाजीपुर। यहाँ देखिए खूबसूरत खूबसूरत पीतल से बना हुआ सामान स्टॉल लगा हुआ है, एक नंबर गेट के मेन गेट के सामने। कप है, पूजा पाठ का ज़्यादा सामान रखा हुआ है। चलिए फिलहाल निकल चुकी है हमारी ये पूर्वैया एक्सप्रेस मुरादाबाद जंक्शन से, स्लीपर डब्बे में आ गए साहिल भाई के पास।
बाकी ये मुरादाबाद जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि दिल्ली की ओर से हमारी गाड़ी आ रही है और जाएंगे बरेली की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है चंदौसी की ओर और एक लाइन जाती है यहाँ से काशीपुर के रास्ते रामनगर की ओर, यानी अच्छा खासा जंक्शन है ये। रेलवे के हिसाब से भी हम फिलहाल नॉर्दर्न जोन के मुरादाबाद डिवीजन में ही है ना। हो मिलते हैं बरेली में, तब तक खाते हैं केला। बरेली जंक्शन, गाड़ी आई है बरेली के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे और समय देख लीजिए रात के 10:06 हो रहे हैं, यानी गाड़ी एकदम राइट टाइम पहुंची है यहाँ। स्वागत है आपका सूरमा नगरी बरेली में, और यहाँ भी घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह मौजूद है। कौन सा दरगाह मौजूद है यहाँ पर? कौन सा दरगाह है यहाँ पर नहीं पता है? नहीं। अरे महाराज, बरेली में जनाब फेमस दरगाह है, आपको नहीं पता? किसे पता रहेगा? नहीं नहीं, सच में पता नहीं है। यहाँ मौजूद है दरगाह आला हजरत, नाम सुने हैं? दरगाह आला हजरत नाम सुने हैं? नाम सुने हैं ना? नाम सुने दरगाह जगह दरगाह आला हजरत बरेली में ही मौजूद है, और आला हजरत के नाम से यहाँ से एक ट्रेन भी चलती है बरेली से भूज के बीच, आला हजरत एक्सप्रेस। बाकी बहुत बड़ा जंक्शन है मुरादाबाद लखनऊ लाइन के अलावा, यहाँ से एक लाइन जाती है लाल कुआं की और एक लाइन जाती है कासगंज, एक लाइन जाती है चंदौसी, बहुत सारी लाइन यहाँ से निकलती है। नाथ नगरी बोला जाता है इसे, सूरमा नगरी बोला जाता है इसे, लेकिन गाना वालों ने बना दिया इसे झुमका नगरी। झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। बाकी आप मिलते हैं सीधा आपसे सुबह में, है ना? वो अकबर भाई, नाइट गुड नाइट बोल तो आप लोगों को, शुभ रात्रि। उठ जाइए महाराज, मुंह कान धोइए, गोरखपुर गाड़ी पहुंच गई है। सुबह के पक्का 8 बज चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 गाड़ी हमारी खड़ी है गोरखपुर में। जय बाबा गोरखनाथ। और गोरखपुर जंक्शन दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन, सबसे पहले नंबर पे अब हो गया है कर्नाटक का हुबली जंक्शन, क्योंकि गोरखपुर का प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1366 मीटर लगभग, और हुबली जंक्शन की प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1505 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से 5 मीटर ज़्यादा। तीसरे नंबर पे आता है केरला का कोल्लम जंक्शन, जिसकी लंबाई है लगभग 1180 मीटर, और चौथे नंबर पे आता है बंगाल का खड़गपुर। पहले खड़गपुर था 1 नंबर पे, अब आ गया 4 नंबर पे। नाम क्या हुआ आपका? राहुल। राहुल भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हैं महाराज? गोरखपुर में क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, रुके हैं गोरखपुर। अच्छा रुके हैं, कहाँ जाइएगा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कौन गाड़ी से? जो मिल जाए। जो मिल जाए। चलिए फिलहाल हमारी पुरवैया एक्सप्रेस निकल चुकी है दुनिया के दूसरे सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन गोरखपुर जंक्शन से। अच्छा इसे जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी गाड़ी जिस ओर से आ रही है और जिस ओर हम जाएंगे, इस लाइन को छोड़कर एक लाइन जाती है यहाँ से बढ़नी के रास्ते गोंडा, और एक लाइन जाती है यहाँ से मुजफ्फरपुर नरकटियागंज के रास्ते। बाकी अब ये रुकेगी देवरिया भटनी, लेकिन मिलते हैं सीधा बिहार में, बिहार के सिवान जंक्शन में। मौसी रहता तो जोर देते आप? दे दे, 10 रुपये देने से कम में मौसी बताए। झूठ बोलेगा तो इसी तरह बीमारी में सब खत्म हो गया। सिवान जंक्शन या सिवान पहुंच चुके हैं हम। सिवान जंक्शन, जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहां से एक लाइन थावे की ओर भी जाती है, यहां से आप थावे जा सकते हैं, जय हो मैया थावे वाली। बाकी हमारी गाड़ी बिहार में एंटर कर चुकी है, स्वागत है आपका बिहार में। मैरवा के बाद ही हमारी ये गाड़ी यूपी से बिहार में एंटर कर गई थी ना। हो जी, जय बिहार, जय बिहार। बाकी गाड़ी यहाँ लेट आई है, सुबह 10:05 का टाइम था, गाड़ी यहाँ आई है सुबह 10:35 में, 10:35, यानी आधा घंटे की देरी से फिलहाल ये हमारी पूर्विया एक्सप्रेस यहाँ का लेट हो चुकी है। बहुत सारे लोग यहाँ अपनी यात्रा समाप्त किए हैं, और गाड़ी हमारी यहाँ चली है सुबह 10:40 में। अरे
मौसी कहाँ कर रहे बाथरूम के अंदर? बाथरूम में लेके घुस गए महाराज उसको, और कुछ मत ले लीजिएगा। अरे काची कर रहे बाथरूम के अंदर, निकालिए उसको। अरे उसको निकालिए महाराज, पैसा को छोड़ कुछ और ले लेगा उसका। निकालिए। अरे वो किन्नर उसको बाथरूम में लेके चल गया, निकालने बोलिए ना महाराज। किन्नर हुआ वो लड़का को लेके बाथरूम में घुस गया। हम लोग कार कर रहे हैं, कहाँ निकालिए उसको बाहर। ए भाई, अरे बाथरूम के अंदर क्या क्या हुआ बताने लायक नहीं है क्या? ए भगवान, काका देखना पड़ेगा ट्रेन में। हाँ, पैंट कौन खोल दिया था? कहाँ बोल रहे भाई? भाई खुश था बंदे, देख भाई। हम इतना देखे इन लोगों का हरकत, लेकिन ऐसा घिनौना और मतलब अंदर हरकत हम पहली बार देखे। दोस्तों वो जो किन्नर इस भाई को रेल बाथरूम के अंदर ले गई थी। छुप जा भाई, गिर जा, मेरा बात सुन। आवाज उठाओ भाई, आवाज उठाओ। आज तुम्हारा साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। इस भाई को अंदर लेके उस किन्नर ने घिनौना हरकत तो किया ही है। अरे भाई आराम से, इसके पास जो पैसा कौड़ी था 130 रुपए ना भैया, 130 रुपया भाई से मतलब छीन लिया। लेकिन 10 मिनट तक इन्हें लैटिंग में रखा है, 10 मिनट 20 मिनट जो भी घिनौना काम बात की बात है, लेकिन पैसा कौड़ी भी छीन लिया। तो देखिए कितना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है, किन्नर लोग का कितना मन बढ़ा हुआ है। पैसेंजर के साथ ये लोग कितना बदसलूकी करता है। आज तारीख कितना है? आज तारीख 6 अगस्त, पुरवैया एक्सप्रेस 15280। स्वागत है आपका बिहार के सारण जिले के छपरा जंक्शन में। कि ट्रेनों में जो ये घटना हुई है, रेलवे से अनुरोध है कृपया इन सब मामलों में संज्ञान ले, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, है कि नहीं हो? हाँ, क्योंकि गणेश भैया जो मतलब कि सच्चे और अच्छे किन्नर होते हैं ना, उन लोगों का काम तो हर किसी वो लोग ऐसा नहीं करते। जो सच्चे और अच्छे होते हैं वो सिर्फ बस ये लोग सब मतलब डुप्लीकेट किन्नर है। हाँ, बस किन्नरों का नाम ही बदनाम कर रहे हैं बस। हाँ, मजबूरी के नाम पर हैवानियत ये लोग तो मतलब कि ये नहीं होना चाहिए था। बाकी छपरा जंक्शन पॉइंट है, आपको पता ही है, इस हमारी वाली रूट के अलावा गोरखपुर हाजीपुर रूट के अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है बलिया के रास्ते बनारस की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से थावे की ओर छपरा कचहरी से। फिलहाल बाहर देख लीजिए, बहुत जोरों की बारिश शुरू हो चुकी है, एकदम टापर तोड़ बारिश हो रही है बाहर। आधा घंटा में पहुँचेगा गाड़ी हाजीपुर, वहाँ हम लोग केला खाएंगे, ठीक है भैया? सही है। अरे वो लगा ना, वो बोला दीदी क्या समाचार? ये समस्या है, अब तो समस्या बता दिया। आपसे पहले किन्नर आई थी, समझे? सारा पैसा वो लोग लूट के लेके चली गई। कितना 130 रुपए बाथरूम में बंद करके 200 रुपए ले लिया। ऐसा इतना सही थोड़ी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। इतने लोग कम थे, आप लोग मारपीट करके लगा देते। वो लोग भी 5 आदमी थे, क्या हो गया? अब वो लोग मतलब जानते हैं ना, क्या होगा जानते। 5 किन्नर आई थी, जोर दबस्ती करके सबसे जानते हैं 100 रुपए 150 रुपए लूट पाट करके चली गई। एक भाई को तो बाथरूम में बंद करके उसके साथ गलत व्यवहार किया। आपको लगेगा झूठ लेकिन सच है। हाजीपुर जंक्शन, स्वागत है आपका बिहार के वैशाली जिले में। तो भाई गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है हाजीपुर, और यहाँ अकबर भाई हमसे बिछड़ रहे हैं। ये भाई यहाँ से जाएंगे पटना, यहाँ से पटना। हाँ, साहिल भाई रहेंगे हमारे साथ। बाकी गाड़ी हाजीपुर पहुंची है 1:48 पर, गाड़ी यहाँ लेट हो चुकी है, 20-25 मिनट लेट है। अच्छा, तुम भी यहाँ से पटना जाएगा ना? तब मिलते हैं, ठीक है? तुम्हारे एक और साथी है ना यहाँ, ठीक है? तो और यहाँ का फेमस केला खरीदते हैं, दे दीजिए एक दर्जन। हाँ, थोड़ा दीजिए मोटा मोटा वाला। 30 रुपये दर्जन केला खाइए, केला पहले ब्लॉगिंग बाद में, पहले केला खाइए महाराज। यार आप लोग छूट जाइएगा, मेरा ब्लॉगिंग छूट जाएगा। केला खाइए। आप भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, रदन ट्राई फैमिली मेंबर। क्या नाम हुआ आपका? करम कुमार। करम भाई हैं, हाजीपुर में मिले हैं, हमारे रदन ट्राई फैमिली के मेंबर ही हैं। केला खाइए, खाने में कंजूसी नहीं। ये फिलहाल निकल चुकी है हमारी ये पुरवैया एक्सप्रेस हाजीपुर जंक्शन से, और यहाँ का फेमस केला भी खा लिया। बाकी ये गाड़ी जाएगी अब बरौनी की ओर वाया शाहपुर पटोरी के रास्ते,
मुजफ्फरपुर समस्तीपुर को नहीं जाएगी। हाजीपुर का फेमस केला, एक बार यहाँ आए तो यहाँ केला जरूर ट्राई कीजिएगा, हाजीपुर जंक्शन। मिलते हैं आपसे सीधा अब बरौनी में। आगे जाइए, दस रुपया तोरा दिया तो इधर रखे लेकी। ए मौसी, अरे चाची आगे जा ना। ए चाची आ मौसी कर दे। की तरह बोल जा हमें, की तरह बोल जा हमें। तोरा पता छ, तोरा पता छ एगा संग की होले। की होले एकरा? हां, तोरे सन किन्नर के करे। तोरे सन किन्नर सामान एगा बाजू में घुसा के एगा माल के सब पता में छीन लेके। तोरा से वो आता है आता हूं। अपना सामान के बीच में आपका नाम क्या हो भैया? प्रिंस कुमार। प्रिंस भाई, तो प्रिंस भाई अच्छा लगता है हमारा वीडियो? बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद प्रिंस भाई। कितना महीना से देख रहे हैं वीडियो? मैं 5-6 महीना से देख रहा हूं। अरे भाई, बहुत पुराना फैन है। धन्यवाद आपका। तो भैया फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बेगूसराय, बिहार की औद्योगिक नगरी। और यहीं तक थी इस पूर्वैया एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। उम्मीद करता हूँ ये सफर आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हम तो ये साहिल भाई जाएंगे सहरसा तक, और आप भी भैया। चलिए भाई के साथ बहुत गलत हुआ। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।